बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आसिफ रशीद आपके साथ गुलिस्तान न्यूज के लाइव फीड यानी ऑफिशियल फेसबुक पेज पे आप मेरे साथ हैं। जुमे का दिन है, फ्राइडे है, साल 2023 अक्टूबर की 24 तारीख, और एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है उस केस में जिसमें 8 भारतीयों को फांसी की सजा होने वाली थी और हो सकता है हो भी जाए, हम अभी उसमें ज्यादा कुछ कह नहीं सकते। मगर जो लेटेस्ट अपडेट है, जो डेवलपमेंट हुई है इस केस में, 8 लोग थे जो नेवी के ऑफिशियल्स रह चुके हैं, रिटायर्ड हैं, एक्स ऑफिशियल्स भी आप कह सकते हैं। ये तमाम लोग कतर की एक ऐसी कंपनी में काम कर रहे थे जो सामान सरकार को देती है, सरकार कतर की जो है उसके साथ इस कंपनी का लेना देना था। उस कंपनी में 8 लोग काम करते थे और इन सभी लोगों को जासूसी के इल्जाम में कि यहां से ये सारे इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, इसराइल को देते हैं या फिर भारत को देते हैं, ये सारे इल्जाम इन 8 लोगों पर लगे थे और उसके बाद कार्रवाई हुई। अदालत ने फैसला सुनाया कि इन लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। लेटेस्ट डेवलपमेंट जो इस केस में हुई है, 27 अक्टूबर को फैसला हुआ कि हिंदुस्तानी बहरिया के या जो इस वक्त काम करने वाले ये 8 के 8 एक्स ऑफिशियल्स हैं, 8 साबिक अहलकार हैं, सजाए मौत सुनाए जाने का ये जो मामला है इसमें बड़ी पेशरफ्त हुई है और अभी तक की तफसीलात के मुताबिक सजाए मौत पाने वाले जो हिंदुस्तानी बहरिया के 60 साबिक 8 अफसरान हैं, 8 एक्स ऑफिशियल्स थे, इनकी अपील को मंजूर कर लिया गया, यानी इनको लीगल बैटल में आगे जाने का मौका अदालत ने फराहम कर दिया है, नंबर 1, विच इज गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ 8। और केस की जो अगली सुनवाई है वो जल्द होनी है। अपील भारत सरकार ने की थी और ये अपील किस बेस पे की गई, ये तमाम लोगों के जो परिवार थे, तमाम लोगों के जो घर वाले थे, वो कह रहे थे कि इन लोगों को फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए, तो उसके बाद से कार्रवाई यहां से आगे बढ़ी और अब जाकर सरकार ने अपनी बात रखी। 23 नवंबर को अपील के जो दस्तावेजात हैं वो कबूल किए गए भारत सरकार के मुताबिक। 25 अक्टूबर को मैथो भार्गुआ नामी जो खातून है उनने ट्वीट भी किया कि इंडियन नेवी के ये जो 8 लोग हैं 57 दिनों में कतर के दारुलहुकूमत दोहा से गैर कानूनी हिरासत में है। मैथो भार्गव कमांडो पुनिंदा तिवारी की बहन है और अफसरान पर मुबैना तौर पर इसराइल के लिए जासूसी का इल्जाम। तो मैं जो शुरुआत में बता चुका हूँ इन 8 लोगों को क्यों सजाएं सुनाई गई थी, 200 प्लस लोग हैं, वीडियो को शेयर कर दें, वीडियो को शेयर करना जरूरी है ताकि आपकी मदद से मैं अच्छी जो व्यूअरशिप है, लोग जो ज्यादा जुड़ पाते हैं, ये सब सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को क्रेडिट जाता है। कतर की सरकार की तरफ से भारत सरकार के इन सारे जो 8 के 8 अफसरान हैं जो इल्जाम लगाए गए, इसमें जो खास मालूमात है वो तो अभी शेयर नहीं की गई है, लेकिन बहरिया से या आप कह सकते हैं नेवी से रिटायर होने वाले ये जो तमाम अफसरान हैं दोहा में अल देहरा कंपनी में काम करते थे, टेक्नोलॉजी और जो मशावरती खिदमात हैं वो सरकार को फराहम करती है, यानी डायरेक्टली हुकूमती इदारों के साथ इस कंपनी का लेना देना है। कतर के बहरिया को तरबियत और सामान भी फराहम करती है, ओमान की कंपनियों को भी कुछ दिया जाता है और स्क्वाड्रन लीडर खामस अल जमी इसको चला रहे हैं जो ओमान की फिजाइया से रिटायर हुए हैं। अब ये कंपनी तरबियत भी देती है बहुत सारे लोगों को और तरबियत देने वालों में इंडियन के नेवी के जो 8 लोग थे वो भी शामिल थे। पिछले साल इन हिंदुस्तानियों इन सभी गिरफ्तार इन लोगों को किया गया था लेकिन नवंबर में रिहा कर दिया गया और लेकिन ये जो स्क्वाड्रन कमांडर हैं इनको पिछले साल गिरफ्तार किया गया, नवंबर में इनको रिहा किया गया। बाकी जो 8 साबिक अफसरान हैं सजाए मौत सुनाई गई थी। कैप्टन सौरभ विशेषता है, कमांडर पुनिंदो तिवारी हैं, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा हैं, कमांडर सुगानर पकाला है, कमांडर संजीव गुप्ता है, कमांडर अमित नागपाल है और राजेश, ये तमाम साबिक अफसरान 20 साल तक इंडियन नेवी में खिदमत अंजाम दे चुके हैं और बहरिया में रहते हुए इनका दौर कहा जाता है बेदाग रहा है, बड़े अहम अहदों पर और सेंसिटिव पोस्ट पर ये फाइज रहे हैं, वहां पर जबरदस्त इनकी सर्विसेज रही हैं, लेकिन जब कतर के अंदर काम कर रहे थे तो वहां पर इनकी गिरफ्तारी हो गई थी। अब सभी लोगों के लिए इनकी अपील को मंजूर किया गया, दैट मीन्स एक मौका है कि खुद को ये बेगुनाह साबित कर सकें, कतर के कोर्ट के सामने इनको बात रखने का मौका मिलेगा जो इससे पहले लीगल बैटल में शायद मुश्किल था। वीडियो को शेयर कर दें तमाम साथी, 170 से ज्यादा लोग हमें अभी देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, हर बार रहते हैं, साथ देते हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, बाकी साथियों को साथ जोड़ने में हमारी मदद करते हैं, थैंक यू।